हमारे साथ आगरा से दिशा जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। हेलो मैम, गुड इवनिंग एंड ग्रेट इवनिंग संदीप सर। मैम आई हैव मन्नापुरम फाइनेंस 5000 @113। इसको हम 6 to 12 months में कब तक का व्यू? 6 to 12 months का नजरिया मन्नापुरम फाइनेंस पर है, इनका 113 की खरीद के साथ। कैसा लगता है आपको स्टॉक संदीप जी, और इनका बाइंग लेवल? देखिए, इनफैक्ट कल तो ये वन ऑफ द टॉप गेनर्स था एफएनओ स्टॉक्स में, और आज जो सबसे बढ़िया बात है, मुठूट हो मन्नापुरम हो, गोल्ड वाले स्टॉक्स है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर जो रूलिंग आई उसकी वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तो फुल्ली सिक्योर्ड लोन देते हैं के सामने, और ये कंपनियां वैसे अच्छा भी कर रही हैं। बेस्ट पार्ट इज वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक सस्ता है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे 1.25 times पे चल रहा है सिर्फ, और उसके बाद भी रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त दिए हैं, तो बिल्कुल ये होल्ड करके रखें, और मेरे हिसाब से इनको आगे भी पैसा बनना चाहिए जिस तरीके के इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। और बीच में करेक्शन जरूर आया था कंपनी का कोई न्यूज की, बैड न्यूज की वजह से, बट ओवरऑल आई फील कि इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड, और ये बने रह सकते हैं। बने रहिए मन्नापुरम फाइनेंस पे, आपके लिए सलाह दे रहे हैं संदीप जी।